मैच दर मैच हर साल की तरह आईपीएल और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जबरदस्त मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 18 रन से मात दे दी। इसी के साथ दिल्ली ने सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। कोलकाता को आखिरी ओवर में 26 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्टोइनिस के ओवर में सिर्फ 8 रन गए और एक विकेट भी मिला। दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी के विकेट के साथ ही आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गई। दिल्ली इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य रखा था। शारजा में खेले जा रहे इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। कार्तिक एंड कंपनी से मिले मौके को दिल्ली के बल्लेबाजों ने जमकर भुनाते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए। दिल्ली की ओर से ओपनर पृथ्वी शॉ और कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतक जड़ा। पृथ्वी ने सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा तो वहीं अय्यर ने पहली 50 की स्क्रिप्ट लिखी। श्रेयस अय्यर ने 38 गेंद में नाबाद 88 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए कोलकाता के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट पर 228 रन तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत ने भी 17 गेंद में 38 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 210 रन ही बना पाई। पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में सुनील नारायण को एनरिक नॉर्थजे ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। नरेन 3 ही रन बना पाए। इसके बाद शुभमन गिल ने नीतीश राणा के साथ मिलकर 64 रनों की दमदार साझेदारी की, लेकिन 9वें ओवर में अमित मिश्रा ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। बेहतर फॉर्म में दिख रहे शुभमन गिल 22 गेंदों में 28 रन ही बना सके। हालांकि इसके बाद आए रसल आक्रामक जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी 8 गेंद खेलकर रबाड़ा को विकेट दे बैठे। रसल 13 रन ही बना पाए। आखिर में यॉन मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। मॉर्गन ने रबाड़ा के ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 78 रनों की तूफानी साझेदारी की, लेकिन नौतजे की गेंद पर 19वें ओवर में मॉर्गन 18 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवर में राहुल त्रिपाठी भी 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 36 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी 4 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन केकेआर ये रन नहीं बना पाई, जिसके बाद दिल्ली ने ये मैच अपने नाम कर लिया। आपको दोनों टीमों के बीच की ये कड़ी टक्कर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।